कैसा लग रहा है ये बस चालू होने से? कुछ फायदा हुआ कि नहीं बोलो? फायदा हुआ है। और पहले पहले क्या होता था? आप लोग को बड़ी दिक्कत होती होगी खड़े खड़े जाना पड़ता है। आती ना अजीब से तो ये वजह से दिक्कत होती गर्मी यहाँ पर रही अपने भीड़ में जा रहे हैं बच्चा भी लाए हैं साथ में तो बच्चा भी सही तो बैठे तो है कम से कम जा सुविधा है। और अभी में इसमें ज्यादा मजा आ रहा हो है। हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग रूट नंबर 1 कर रहे हैं जो कि मेन पानी से शुरू होता है और भैरी अटगटा तक जाता है। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं मेन पानी और आज का रूट यहीं से स्टार्ट होगा। ये देखिए आप रूट नंबर 1। तो गाइस, जैसा कि अब ड्राइवर साहब आ चुके हैं, अपन इनसे 2 मिनट बात करते हैं, रूट के बारे में समझते हैं। तो बताएं भाई, ये अपनी गाड़ी चल रही है कि बहेरिया से मैन पानी। अच्छा, मेडिकल होते हुए तो पूरा रूट समझा देते तो पब्लिक को ज़्यादा अच्छा रहता। कहाँ कहाँ से कैसा जाएगा? बहेरिया, पैराटाइज, दीपाली, मकरोनिया, सिविल लाइन, मस्टेन जी, दिल्ली अस्पताल जी, मेडिकल अस्पताल जी, तिली टेकड्डा जी, नया आईटीओ ऑफिस। अच्छा, मेन पानी। ओके, तो गाइस जैसा कि आपने जान लिया कि ये रूट का डिटेल उस्ताद ने बता दिया है, अब अपन आगे चलते हैं। तो गाइस, ये रही बस, अब अपन चलते हैं बस में। ठीक है, सो गाइस बैठ चुके हैं बस में। सो गाइस, मेन पानी पे से निकल चुके हैं और ये रहे ड्राइवर भैया और ये सामने की कुछ सीन्स। और गाइस, इसी के साथ पैसेंजर से बात करते हैं, उन्हें सिटी बस से क्या क्या फायदे हुए, कैसा लग रहा है ये बस चालू होने से? कुछ फायदा हुआ कि नहीं बोलो? फायदा हुआ है। और पहले पहले क्या होता था? अरे बोलो तो। आपको कुछ फायदा हुआ बस से? तो कुल मिला के मतलब फायदा है बस से है। और पहले बसों में आप लोग को बड़ी दिक्कत होती होगी खड़े खड़े जाना पड़ता। आती ना अजीब से तो ये वजह से दिक्कत होती गर्मी यहाँ पर रही अपने
अब भीड़ में जा रहे हैं, बच्चा भी लाए हैं साथ में, तो बच्चा भी सही तो बैठे तो क्या सुविधा है। और सबसे ज्यादा फायदा वो इन बिन्नियों को, और ये बिन्नियां कुछ बोल नहीं रही हैं, इन्होंने स्कूल कॉलेज में अब दिक्कत नहीं होते, ये हो रहे और कुछ बोल नहीं रही। और अभी में ज्यादा मजा आ रहा हो है। हम पहुंच चुके हैं न्यू आरटीओ। देखिए ये रहा हमारा सेकंड स्टॉप जो कि दिल्ली चौराहा। सो गाइस इस बस के स्टार्ट होने से सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है, बट सबसे ज़्यादा जिसको हेल्प हुई है वो है स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना पड़ता है उनके कॉलेज घर से लेके कॉलेजेस तक, गाइस उनको रिक्शा वगैरह में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, पर इस बस के शुरू होने से अब उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और गाइस बहुत ही आसानी से वो लोग अपने कॉलेज या स्कूल जा सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं मेडिकल कॉलेज। ये रहा मेडिकल कॉलेज। तो गाइस मेडिकल कॉलेज के बाद निकलने के बाद अपन पहुंच चुका है चैतन्य हॉस्पिटल। सो गाइस आ चुके हैं बस स्टैंड। सो गाइस ये रहा मेन बस स्टैंड। आगे बढ़ चुके हैं और अपन बस स्टैंड पे थे, अब गाइस यहाँ से निकल चुके हैं, अब आएगा अपन को नेक्स्ट स्टॉप जो कि गाइस पहुँच चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पर जो कि है पीली कोठी। सो गाइस पीली कोठी के निकलने के बाद हम पहुँच चुके हैं सिविल लाइन। सो गाइस मकरोनिया चौराहा के बाद अब आ चुके हैं अपन पैराडाइज होटल। सो गाइस हमारे सामने आ चुका है एक और मोस्ट ब्यूटीफुल होटल जो कि है दीपाली पैलेस। थोड़े ही गाइस इसी के साथ अब हम लोग आ चुके हैं गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं लास्ट स्टॉप, और इसके बाद अब अभिशान भाई बताएंगे कि अब क्या है। सो गाइस आ चुके थे अब वो और लास्ट स्टॉप। सो गाइस अब यहां से अपन वापस हो जाएंगे और गाइस अब चलते हैं अपने स्टाफ से बात करने, ड्राइवर भैया से और बाकी सभी। सो गाइस ये रहा पूरा बस का स्टाफ, आप देख सकते हैं सभी लोग कर रहे हैं नाश्ता। हाँ तो गाइस ये हमारे बस के और ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब की आज कुछ हालत नासाज सी लग रही है, क्या हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते में इनने पायलट भी चेंज कर दिया था, ये भाई चला के आए थे, क्या नाम? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद भाई चला के आए थे। तो भाई बताओ क्या तकलीफ हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? अजीब सा लग रहा है, पीछे नीचे हो रही है हमारी, मतलब जी
कुमछा रहा है, हाथ पैर भी चमक उठक रही है। तो अकबर भाई का जी उछल रहा है, अंदर से कुलाचे मार रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई आप अपना नाम जोर बता दो। मोहम्मद जुबेर। ये भैया मोहम्मद जुबेर, ये भी सिटी बस स्टाफ से ही हैं, और वो बैठे हैं अभी शान भाई, अपन के भी मजे हैं। ये भी मजे ले रहे हैं। तो गाइस ऐसा है कि अभी दूसरा पायलट आने वाला है। अब गाइस दूसरे पायलट को बुलाया गया है, देखते हैं कितने देर में आता है। इमरजेंसी लग गई है, इमरजेंसी लगती है। तो गाइस अदालत के कारण तो गाइस मिलते हैं फिर। तो गाइस ये हैं पटेल साहब, इनकी होटल में ही पूरा स्टाफ नाश्ता करता है। और पटेल साहब आप अपना नाम बता दीजिए। मैं हूँ राम स्वरूप पटेल, सिद्धवा का रहने वाला। अच्छा जी, राम स्वरूप पटेल है, सभी स्टाफ यही रुकता है आके, और पूरा स्टाफ सिटी बस का इसी होटल में नाश्ता चाय वगैरह करते हैं। तो पटेल साहब आप बताइए, सिटी बस चलने से कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं? बेनिफिट हुआ ना, जैसे अपन को स्टेट में जाना सीधा, हाँ, जिसमें किराया की बचत भी होती है और समय की बचत भी होती है, हाँ, और जल्दी से पहुंच जाते, सेफ्टी से सीट भी मिल गई। ऑटो में पता चलो खड़े जा रहे, लटके जा रहे, ये दिक्कत आती थी। सिटी बस चलने से बहुत फायदे है। हाँ, और दुकान में कुछ फायदा हुआ कि नहीं? दुकान में भी फायदा है, अब स्टाफ आता है इधर नाश्ता करता है, हमारी दुकान भी चलने लगी। और स्कूल कॉलेज के बच्चे थे जो सिटी जाने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, मतलब सभी लोगों के लिए सुविधा है। हाँ, बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, और आपके दुकान में हुई क्या फायदा? वो तो अब आना जाना है तो फायदा रहेगा। स्टाफ का 2-3-4 बार आना जाना रहता है। हाँ, नाश्ता वगैरह करते, चाय पीते, सब कुछ बढ़िया। चलो भैया पटेल साहब से भी बात हो गई, अब चलते हैं बाप और आगे। तो गाइस अब निकल चुके हैं हम लोग वापस। सिविल लाइन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी करेंट में अपन मकरोनिया चौराहा आ पा रहे हैं। So guys, हम लोग बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं बस स्टैंड का ये स्टॉप है। So guys, बस स्टैंड से निकल चुके हैं। तो गाइस आ चुके हैं चैतन्य हॉस्पिटल। तो गाइस आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज। गाइस साइबर सिटी को विकसित करने में सिटी बस ने बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया, उससे हमारा सागर शहर और भी ज़्यादा सुविधा युक्त हो चुका है। तो गाइस ये RTO न्यू RTO स्टॉप था, पर यहाँ पे कोई पैसेंजर उतर नहीं है, उतरना नहीं, तो सीधा हम लोग जा रहे हैं मेन पानी। रूट नंबर 1 आज एक्सप्लोर पूरा मतलब पूरा हो चुका है। जैसे कि अब नेक्स्ट डे
दूसरे रूट पे एक्सप्लोर करेंगे और अभी चल रहा है रेस्ट, अभी तो कर रहे हैं। ओके बाय बाय बाय।